ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार किया महिला क्रिकेट विश्व कप पर कब्जा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खिलाड़ी के बारे में जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ना ही ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, ना ही ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच थी और ना ही ये खिलाड़ी विजेता टीम का हिस्सा थी। आखिर कौन थी वो खिलाड़ी जिसके चर्चे आज दुनिया भर में हो रहे हैं? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं। जापान में जन्मे, यूरोप में पली बड़ी वो इंग्लिश खिलाड़ी जिसने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की नाक में कर दिया था दम। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको इसी महिला बल्लेबाज के बारे में। इससे पहले जान लेते हैं कि मैच में आखिर क्या हुआ। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 356 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 285 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की टीम की तरफ से नेट सीवर ने फाइनल में पूरी जान झोंक दी। वे 148 रन बनाकर नाबाद रही और अंत तक इंग्लैंड के लिए लड़ती रही। वे उस समय बैटिंग के लिए दाखिल हुई जब इंग्लैंड की टीम के ओपनर 6.3 ओवर में 38 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग पूरी तरह नेट सीवर के चारों ओर घूमती रही। ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने वे बिल्कुल नहीं डिगी, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से मदद नहीं मिलने के चलते वे टूटा दिल लेकर मैदान से बाहर लौटी। इस दौरान उन्होंने आईसीसी फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। आपको बता दें कि नेट सीवर ने 121 गेंद का सामना किया और 15 चौके और एक छक्के की मदद से 148 रन बनाए। इस पूरे मुकाबले में केवल एक ही छक्का लगा और ये उनके बल्ले से ही निकला। नेट सीवर के करियर का ये 5वां वनडे शतक रहा। इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 137 रन था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जून 2017 में बनाया था। फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया ने एलिसा हिली की करिश्माई 170 रन की पारी के बलबूते पर 356 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए तो इंग्लैंड के लिए गेम ओवर ही मान लिया गया था। लेकिन जिसने भी ये मैच देखा उसे ये पता है कि अगर सीवर को दूसरे छोर से एक अच्छा साझेदार मिल जाता तो मैच काफी करीब जा सकता था। इंग्लैंड की टीम 38 गेंद बाकी रहते ही निपट गई। अगर सीवर की तरह ही बाकी बल्लेबाजों ने लड़ने का जज्बा दिखाया होता तो महिला विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया का विजयी रथ रुक सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार इंग्लैंड को हराया। दोनों ही बार नेट सीवर ने इंग्लैंड की तरफ से मजबूती से मुकाबला किया। इससे पहले 5 मार्च को दोनों टीमें लीग स्टेज में भिड़ी थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 310 रन बनाए थे। इस लक्ष्य से इंग्लिश टीम केवल 12 रन दूर रह गई थी। इस मुकाबले में नेट सीवर ने 85 गेंदों में 13 चौकों के सहारे 109 रन बनाए। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 232 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन नेट सीवर टीम को लक्ष्य के काफी करीब ले गई। हालांकि आखिर में बाजी ऑस्ट्रेलिया ने ही मारी। नेट सीवर के बारे में अगर बात करें तो नेट सीवर का इंग्लैंड के साथ ही जापान, पोलैंड और नीदरलैंड से भी नाता है। इनकी माँ डिप्लोमेट है और जापान में ब्रिटेन की राजदूत है। नेट सीवर का जन्म जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। बाद में कुछ समय के लिए वे पोलैंड में भी रही जहाँ वे फुटबॉल खेलती थी। फिर नीदरलैंड में भी उनका समय गुजरा, यहाँ वे बास्केटबॉल से जुड़ी, लेकिन फिर इंग्लैंड में क्रिकेट को ही इन्होंने अपना लिया और यहाँ कमाल कर रही है। खैर, नेट सीवर की इस पारी के बारे में और विश्व कप में उनके जज्बे को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी ही ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।